100 दिन आपको मुकम्मल हो गए, आपने अपना परफॉर्मेंस चार्ट भी दिया, किस हद तक आवाम की तवक्कोआत पर पूरा उतर पाए हैं? 100 डेज में बेसिकली एक आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि हुकूमत जा किधर है। आपने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर डॉलर महंगा होगा घबराए ना। कैसे डॉलर आएंगे? नंबर वन, एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी से ही इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर टू, रेमिटेंसेस, उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हवाले नहीं लीगल चैनल से भेजें, उसमें इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर तीन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्वेस्टमेंट। काबीना में आपके ऐसे कौन से वुजरा हैं चंद एक, जो आपको लगता है कि वाकई उन्होंने इन 100 दिनों में डायरेक्शन सेट करके आवाम को दिखाया, अपनी अपनी पोर्टफोलियो जो उन्हें मिला हुआ है अपनी अपनी वजारत के हवाले से? सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये तीन चीज़ों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूँगा, हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। अब हम देखते हैं कि आज़म सवाती साहब का इशू हो या उससे भड़के उस्मान बुज़दार साहब ने जिस तरह इंटरफेयर किया, कोर्ट में साबित हुआ डीपीओ पाक पतन की मुदाखलत, लेकिन उसमें आपकी तरफ से कोई उनको शोकॉज नोटिस नहीं आया? मेरे सामने अभी कोई नहीं आया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आज़म सवाती की गलती हुई वो खुद रिजाइन करें। आपके जो इदारे आपके पास हैं FIA, NAB, FPR, इनकम टैक्स और कस्टम, वो इंतहाई करप्ट हैं। जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की उन्होंने मुझे बार बार बताया कि जो पॉलिटिकल क्लास है जब हम आते हैं वो पैसे मांगने आ जाती है, इलेक्शन से पहले पैसे मांगती है, फिर उनको तंग करती है पैसे लेने के लिए, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये बन गया है कि अच्छा ये पैसे वाले लोग हैं उनसे जाके डिफरेंट इदारे पैसे मांगते हैं। इसकी वजह से जो एक वर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी बिजनेस करने के लिए आसानी, वो पाकिस्तान तकरीबन सबसे पीछे है इसमें। कौमी असम्बली में आपके पास सिंपल मेजोरिटी है, सेनेट में नहीं है। जब तक सेनेट से बिल अप्रूव ना हो कोई भी कानून हतमी तौर पे बन नहीं सकेगा। हमने जो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं हम ये ऑर्डिनेंस के लिए के जरिए लेके आएंगे, जो आवाम को फ़ायदा होने लगा है। 1 साल और 1.5 साल में सिविल केसेस ख़त्म होंगे, ये जो ज़मीनों के केसेस 30-30 साल हैं।